हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लिटिल क्राफ्ट होम विद अ न्यू वीडियो। मैं हूँ सुष्मिता। तो आज मैं आप लोग के साथ और एक वीडियो लेके आ गई हूँ। आज मैं सुबह सुबह देखो नहा लिया है, और सर्दी में नहाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो छोड़ो, आज का वीडियो मैं आती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, पर वैसे भी मेरा वीडियो हमेशा मेरे लिए खास होता है। तो आज का वीडियो ना, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि टी कोस्टर मुझे ख़रीदना था। तो मैंने सोचा कि ना मैं घर में बना लूँ, क्योंकि अमेजन फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो क्यों ना घर में बना लूँ, और सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। तो और भी मैंने छोटा छोटा बहुत सारा चीज़ें मैं बनाई हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। और जो लोग मेरे चैनल में अभी भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जल्द जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक स्वीट का बॉक्स ले लिया है, और ये बॉक्स बहुत ज़्यादा पुराना है। तो देख सकते हो बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। और इसका ऊपर देखो, एक जो पॉलीथीन है ना, इसको मैं हटा दूँगी, क्योंकि जब ये कुछ इसके ऊपर स्टिक करूँगी ना, ये ठीक से स्टिक नहीं होता है। तो इस तरह से स्टिक हटा देना है। और यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड को काट करके इस तरह से कुछ पीसेस मैंने काट कर लिया है, वो स्वीट बॉक्स का मार्जिन लेके। तो यहाँ पे मैंने इस सबको स्टिक करने के लिए फेविकॉल इसीज का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ग्लू का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से एक के बाद एक स्टिक करते जाऊँगी। और ये ना स्टिक करने के बाद और ये अच्छे से स्टिक हो जाए, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक हेवी सा सामान रख दिया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, ठीक से स्टिक भी नहीं होता, थोड़ा टाइम भी लगता है। और यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर से इस तरह से स्टिक कर दे रही हूँ, क्योंकि इसका जो रफ एजेस है ना, वो नहीं दिखेगा। तो आप इसके जगह टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो ये पूरा रेडी है। अब मैं यहाँ पे होममेड जासो तैयार कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे फेविकॉल वॉल पुट्टी और वाटर एक्रेलिक कलर और थोड़ा सा पानी मिक्स करके ये वाला पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। और ये सूखने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तो जैसे हम कलर करेंगे ना, यहाँ पे एक ठीक से स्प्रेड हो पाएगा, नहीं तो ज़्यादा कलर ये सूख कर लेता है। तो यहाँ पे मैंने इसको वुड जैसा लुक देना है, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर कर लिया है, और इसके साथ थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी दे दिया है। तो यहाँ पे ना एक रेड रेड जैसा एक लुक आता है। तो आप यहाँ पे ना कोई भी पैटर्न कर सकते हो, कोई भी कलर दे सकते हो, कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक इजी सा पैटर्न ड्रॉ किया है, क्योंकि इतना सर्दी में ना मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया था, और मुझे लग रहा था जैसे भी करके इसको कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि मुझे इतना सर्दी में आज मुझे बहुत दिक्कत हुआ, क्योंकि मतलब धूप भी नहीं हुआ था, और मुझे ये कलर करना बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो रहा था। क्योंकि जैसे हम एक कलर कोट देते हैं ना, ये नहीं सूखने के बाद दूसरा कलर आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मुझे हीटर जला के इसको सब सुखाना पड़ा, फिर जाके मैंने कलर कर पाई एक के बाद एक। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रहा था, और इतना सर्दी में ना मेरे हाथ भी नहीं चल रहा था। तो आप लोग कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कि और देखो, बात करते करते मेरा एक कंप्लीट भी हो चुका है, और ये कलर सूखने के बाद मैंने यहाँ पर एक वार्निश का कोट भी अप्लाई कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे इसका फाइनल लुक। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा है। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब सेकेंड DIY में मैंने यहाँ पे जॉकी का एक कार्डबोर्ड ले लिया है, और इसको काट करके मैंने छोटा चार पीसेस में काट कर लूँगी। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है ना, 10x10 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारा आइसक्रीम का स्टिक्स ले लिया है, और इससे मैं आज एक छोटा सा चीज़ें मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक को स्टिक करने के लिए मैंने फेविकॉल एसेस का यूज़ किया है। आप यहाँ पे कोई भी ग्लू का यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक के बाद एक इस तरह से स्टिक करते जाऊँगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे 10x10 सेंटीमीटर है, तो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ टी कोस्टर, तो यहाँ पे ना ये मुझे और नहीं चाहिए, एक कप रखने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए ये वाला पार्ट मैं इसको कट कर दे रही हूँ, और इसके बाद एक दोनों जो निकला हुआ है ना, इसको भी मैं कट कर दूँगी। तो इसका जो लुक है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो देखो अच्छा लग रहा है, ये भी हमको कट कर लेना है।
तो इसके ऊपर मुझे और एक आइसक्रीम का स्टिक्स देना है, तो इसलिए मैं पहले से ही एक मार्जिन ले रही हूँ और इसको कट कर लूँगी, तो इससे मुझे थोड़ा सा ईजी होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने एक के बाद एक इस तरह से स्टिक करते जाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने 6 इस तरह से स्टिक कर लिया है। तो इसका ऊपर मैं कोई हेवी चीज़ डाल दूँगी तो क्या होगा कि ये जो आइसक्रीम स्टिक है ना ठीक से वो स्टिक हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक स्टिक ना थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है इसलिए। तो और मैं यहाँ पे ना कम कर रही थी और मैंने सोचा कि एक बार दिखा दूँ, मेरा सामान इधर उधर इस तरह से बिखरा हुआ है। और यहाँ पे मैंने 4 इस तरह से कोस्टर्स मैंने बना लिया है, तो देख ही सकते हो मैंने बना लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे कलर, तो मैंने इसको ना थोड़ा सा वुड लुक देना है इसलिए ये वाला कलर मैंने यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। पर बीच का जो पार्ट है ना मैंने यहाँ पे कोई भी कलर नहीं किया, पर थोड़ा थोड़ा कलर लग गया है, क्या करूँगी ना थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो बीच का जो कलर है ना मैंने यहाँ पे उसके साथ ब्राउन कलर के साथ थोड़ा सा व्हाइट कलर मिक्स करके ये वाला कलर मैंने यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। तो ये जो है ना पूरा ना वुडन जैसा लुक एक देगा और बहुत ज़्यादा अलग सा एक पैटर्न जैसा दिखेगा, तो लास्ट में दिखेगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो ये वाला आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कि और एक कलर सूखने के बाद मैंने यहाँ पे वार्निश का एक कोट भी अप्लाई कर दिया है, तो इसका जो कलर है ना ये ठीक रहेगा। तो आप देख लेंगे इसका फाइनल लुक। तो आप इसको आप हर दिन घर में यूज़ भी कर सकते हो और देखो कितना सुंदर भी लग रहा है, पूरा ऊन जैसा लकड़ी जैसा लग रहा है। तो आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अब थर्ड DIY में मैंने यहाँ पे एक एक्रेलिक कलर का बॉटल ले लिया है, ये बहुत दिन से ना पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको भी कुछ कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने और एक बॉटल ले लिया है और इसके ऊपर मैंने फॉइल पेपर से इस तरह से स्टिक कर लिया है। आप चाहो तो इसको भी स्किप कर सकते हो, नहीं तो कर भी सकते हो। और मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी से डो बना लिया है, तो मैं अब यहाँ पे मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा फेविकॉल लगा के इसको इस तरह से स्टिक कर दे रही हूँ, जैसे वो अच्छे से इसका ऊपर स्टिक हो जाए ये जो वॉल पुट्टी है। और इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना इसको भी हम नीचे दिखाना नहीं है, तो यहाँ पे भी मैंने इस तरह से इसको हाइट कर दिया है। तो देखो इस तरह से मैंने दो बना लिया है। अब हम इसके ऊपर जो कैप है ना कैप के ऊपर भी इस तरह से कुछ डिज़ाइन कर लूँगी, तो इसको भी स्टिक करने के लिए थोड़ा थोड़ा फेविकॉल भी यूज़ कर लूँगी। और इसके ऊपर एक के बाद एक मैंने इस तरह से स्टिक कर लिया है देखो, और जैसे कुमकुमदानी होता है ना वैसे मैं यहाँ पे इसको डिज़ाइन दे रही हूँ। तो हाँ मैंने यहाँ पे कुमकुमदानी बना रही हूँ, तो पहले भी मैंने एक वीडियो में बहुत सारे कुमकुमदानी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो मैंने सोचा और भी एक बना लूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो रेडी कर लिया है। और जैसे मैं यहाँ पे पूरा सब कुछ ही ऊट जैसा लुक दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि इसको भी मैं एक ऊट जैसा लुक दूँ, तो इस तरह से इसलिए मैंने ये वाला कलर यहाँ पे पेंट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बहुत इजी सा एक ड्राइंग मैंने पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है। तो मेरे पास ना एक वुडन का कुमकुम दानी है, तो मैंने सोचा और एक बना लूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ए वाला कलर मैंने किया है। और देखो डिज़ाइन मैंने बहुत ज़्यादा इजी रखा है, कोई भी इसको पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से इसका जो लुक है मैंने कंप्लीट कर लिया है। और इसका ऊपर ना व्हाइट कलर बहुत अच्छे से खिलता है, तो इसलिए मैंने व्हाइट कलर किया है। और इस टाइप का कुमकुमदानी ना आप घर में पूजा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो खुद भी यूज़ कर सकते हो। और पूजा का सामान तो बहुत कुछ होता है, वहाँ पर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। और ये वाला कुमकुमदानी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, ऐसे ही मैं थोड़ा सिंपल जैसा डिज़ाइन कर दिया है। मेरे पास ना एक उड का कुमकुमदानी है, तो मैंने सोचा इस तरीके का एक और एक बनाऊं, किंतु सेम लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है पर ये भी उड जैसा लग रहा है। और इसका जो लुक है ना मैं थोड़ा सा सिंपल रखा है। तो चलो अब हम देख लेंगे इसका फाइनल लुक।
तो आप लोग को ये कैसा लगा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अब अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में बने रहेगा। और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए बाय बाय।